तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस टेक रजत। तो आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि आप फोटोशॉप के अंदर इस तरह का बैनर कैसे बना सकते हो जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक बैनर दिख रहा होगा जो कि एक मारुति सेल का है जिसमें कपड़ा बेचता है, उसका ये पोस्टर है। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन करना अपने फोटोशॉप के अंदर तो आज की इस वीडियो में बने अंत तक। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन करना है। तो मैं फोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके पास कोई सा भी वर्जन हो आप उसमें इसे बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ कि ये आप इसे कैसे बना सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटोशॉप ओपन कर लिया हूँ। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए सिंपली आप यहां से फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहां पे आपको एक साइज़ क्रिएट करना है। तो उसके लिए सिंपली आप यहां पे प्रीसेट साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहां से आपको बहुत सारे साइज़ का जो ऑप्शन है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम साइज़ जो यूज़ करने वाले हैं वो है 1280x720 ये वाला साइज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये वाइट बैकग्राउंड जो है वो खुल के आएगा। तो इसी बैकग्राउंड पर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को यहाँ से कलरफुल करेंगे। तो उसके लिए सिंपली अभी आप यहाँ पे सबसे पहले लेयर पैनल को एक्टिवेट कर लेंगे। तो अगर आपका लेयर पैनल एक्टिवेट नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आप इस पर चेक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये लेयर का जो ऑप्शन है ये खुल के आएगा। तो ये लेयर का ऑप्शन खुलने के बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले इस क्रिएटिव फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिख जाएगा ग्रेडियंट का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल का जो ऑप्शन है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर अच्छा लगे तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई सा भी दो कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर चूज़ करता हूँ और यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर रख लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ और उसके बाद मैं इस साइड में कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये कलर रखता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी ओके करता हूँ। और अगर आप चाहते हो इस कलर को थोड़ा सा ऊपर करना तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं इतने पे रखता हूँ और यहाँ से इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो बैकग्राउंड चेंज होने के बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में एक शेप क्रिएट करना है जिसमें कि हमारा जो दुकान का नाम है वो यहाँ पर ऐड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस टूल वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको टूल वाले ऑप्शन पे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का। तो सिंपली आपको इस सेव वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिएक्टेंगल टूल का एक ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपको चूज़ रहना चाहिए और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है और ये ड्रॉ करने के बाद अभी आपके सामने एक शेप क्रिएट हो गया आएगा। तो यहाँ पे आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना जितना ऊपर आपको चाहिए। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी इतना पे रखता हूँ और उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर इस लेयर वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कलर वाला जो ऑप्शन है वो खुल गया है। तो यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे लाल कलर ही रखता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये शेप क्रिएट हो जाएगा। तो ये शेप क्रिएट होने के बाद अभी आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको रेस्टराइज लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रेस्टराइज लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये भी इमेज जो है वो भी हमारा रेस्टराइज लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लेना। और ये एडजस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपका दुकान का नाम जो भी है सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो दुकान का नाम टाइप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट जो भी है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल तो सिंपली आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे Raj 08 फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई सा भी हिंदी फ़ॉन्ट हो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। और फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो भी आपके दुकान का नाम हो सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर देना। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे अभी दुकान का जो भी नाम है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी दुकान का नाम हो आप यहाँ पे टाइप कर देना। और ये टाइप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे फिर से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है
और यहाँ से आपको इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी कलर लगाना हो टेक्स्ट का आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट कलर रखता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अभी कलर जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी कलर रखना चाहे आप यहाँ पे रख सकते हो। और ये कलर रखने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस वाले शेप को कुछ इस तरह से नीचे करना है। और यहाँ पे नीचे करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस रहता है शॉप का वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर शेप टूल को राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। और ये शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको जो भी दूसरा कलर आपको यहाँ पर पसंद हो आप यहाँ पर चूज़ कर लेना और यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी हमारा कलर चेंज हो चुका है। और कलर चेंज होने के बाद अभी आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। और ये ड्रॉ करने के बाद अभी आपको अगर आप इसे चाहें तो आप यहाँ पर नीचे भी कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर नीचे कर लेना जितना भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर नीचे कर सकते हो। और ये नीचे करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसी का एक कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे और इसी शेप का एक कुछ इस तरह से माउस से मूव करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। और यहाँ से आपको इस वाले शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर इसका चेंज कर देना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ब्लैक कर रखता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों अभी अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कलर कन्वर्ट होने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो भी एड्रेस हो आपका शॉप का आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से टाइप कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा एड्रेस टाइप कर दिया है। और ये एड्रेस टाइप करने के बाद सबसे पहले इसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर से आपको इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आपके टेक्स्ट का आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और फिर से आपको यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर ये देखेंगे तो अभी इसके ये अंदर जा रहा है। तो इसे ऊपर लाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सबसे ऊपर में लाके इसे छोड़ देना है। तो ये सबसे ऊपर में भी आ जाएगा और ये ऊपर आने के बाद अभी आपको यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करना है और माउस से कुछ इस तरह से छोटा करना है और आपको इस बॉक्स में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से फिट कर लेना है। अपने बॉक्स के अनुसार आपको यहाँ पर फिट कर लेना है। तो मैं ये कुछ इस तरह से फिट कर लिया हूँ। और ये फिट करने के बाद अभी आपको इसी का एक कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए आपको इस वाली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे और माउस से कुछ इस तरह से मूव करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। और ये कॉपी बनने के बाद आपको छोड़ देना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मूव करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके आप और यहाँ पर आपको जो भी प्रोप्राइटर है आपके दुकान का सिंपली आप यहाँ पर उसका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस तरह से छोटा करेंगे। आपको अपने बॉक्स के अनुसार यहाँ पे फिट कर लेना है इसको। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी हमारा इतना हो चुका है। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे फिर से शेप टूल पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। और ये टूल सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे रेडियस वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको 50 टाइप करना है, 50px। और यहाँ पे 50 टाइप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यही कलर रहने देता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और ये ड्रॉ करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से रेस्टराइज लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना होने के बाद अभी इस वाले शेप को हम कुछ इस तरह से छोटा करते हैं और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से ऊपर में लगाते हैं और इसे यहाँ से कुछ इस तरह से लंबा करते हैं। तो इतना होने के बाद अभी आपको इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसी का एक कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे और माउस से नीचे करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो ये कॉपी बनने के बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके अंदर जा रहे हैं। तो इसे ऊपर लाने के लिए फिर से आपको यहाँ पर इस लेयर वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको सबसे ऊपर में ला के इसे छोड़ देना है। तो ये भी हमारा सबसे ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊपर में आने के बाद अभी आपको यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर जो भी आपके दुकान में मिलता है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारे यहाँ सभी तरह का। और ये लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पे इसे छोटा करना है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करेंगे और माउस से कुछ इस तरह से छोटा करेंगे तो ये बिल्कुल आपके बराबर में ये छोटा होगा।
आगे पीछे नहीं होगा, तो लेकिन आपको शिफ्ट दबा के रखना है तभी ये काम करेगा। अगर शिफ्ट के बिना आप इसे छोटा बड़ा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना, लेकिन आपको शिफ्ट दबा के रखना है तभी ये बराबर में छोटा होगा। तो ये लिखने के बाद अभी आपको नीचे और लिखना है, तो उसके लिए सिंपली अभी आप यहाँ पे और एक शेप ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको इसी शेप को सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको इसी का एक कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे और माउस से नीचे करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। और ये कॉपी बनने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करना है और इसका भी एक कॉपी बना लेना है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है, और यहाँ पे आपको नीचे करना है और इस वाली शेप को सिलेक्ट करना है। और ये शेप सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से लेयर स्टाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ से कलर ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कलर ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे शेप का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई सा भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये भी हमारा शेप का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो भी आपके दुकान में अवेलेबल हो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, तो आप भी इस तरह से टाइप कर दे जो भी आपके दुकान में अवेलेबल हो या फिर जिसका भी आप बैनर बना रहे हो। तो ये टाइप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करना है और माउस से कुछ इस तरह से इसे छोटा करेंगे और इस बॉक्स के अनुसार यहाँ पे फिट कर देंगे इसको। और यहाँ से आपको ये कुछ इस तरह से फिट करना है और इस वाले शेप को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शिफ्ट की मदद से कुछ इस तरह से छोटा कर देंगे। और ये भी इतना हो चुका है, तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे और लिखना है। तो फिर से इसी का एक कॉपी बनाएंगे शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से, और ये कॉपी बनाने के बाद अभी आपको यहाँ पे ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका भी एक कॉपी बना लेना है। कॉपी बनाने के बाद अभी आपको अभी फिर से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपको लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पे फिर से शिफ्ट को प्रेस करना है और माउस से आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। और ये एडजस्ट करने के बाद अभी आपको अगर आप इससे चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो फिर से हम यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से भी ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये भी शेप जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुछ PNG को ऐड करना है। तो इस वीडियो में मैं जितना भी PNG का यूज करने वाला हूँ सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो PNG को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मेरे पास PNG है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं आपको उस PNG का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये वाला PNG है मारुति का, जो मारुति सेल है वो वाला PNG है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये PNG ओपन हो चुका है, तो मैं इस वाले PNG को पकड़ के यहाँ पर इस वाले पेज पर छोड़ दूँगा तो इसका एक कॉपी बन जाएगा और इसे यहाँ से कट कर देंगे। और इस वाले PNG को हम यहाँ पे छोटा करके कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो छोटा करने के लिए शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे और माउस से कुछ इस तरह से छोटा करेंगे, तो ये भी हमारा PNG जो वो छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लगा देना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा दिया है, और ये लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पे और एक PNG ऐड करना है। तो फिर से हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोथ का जो PNG है यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये वाला PNG आपको ऐड करना है और यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा PNG ओपन हो जाएगा। तो इस वाले PNG को भी पकड़ के हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा और इसे बड़ा कर लेंगे। और यहाँ से आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, जितना भी आपको जगह है आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ठीक लग रहा है तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो रेट रहता है, जो भी होलसेलिंग का जो रेट रहता है, आप यहाँ पर रेट भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि ये मारुति सेल है तो यहाँ पे मैं रेट भी ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेट पहले से ही लिख के रखा है, तो उसका भी मैं यहाँ पे PNG ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये वाला रेट है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रेट पहले से ही लिख के रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो सबसे पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, फिर मैं वहाँ पर PNG ऐड करने वाला हूँ।
तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। तो ये एडजस्ट होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस वाले पीएनजी को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करना है आधे पार्ट को, और यहाँ पे आपको मूव टूल की मदद से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे पकड़ के आपको यहाँ पे इस वाले पेज पे लाके छोड़ देना है। तो इसका एक कॉपी बन जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लगा देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, और फिर से आपको यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है, और इस वाले पेज को आपको यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो इसका एक कॉपी बन जाएगा, और इस वाले पेज को हम यहाँ से कट कर देते हैं, और इसे भी यहाँ से कट कर देते हैं, और इस वाले पेज को बड़ा करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों पेज यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लगाना है, दोनों सटा के आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है। और यहाँ पे ये वाला जो पीएनजी है और ये वाला जो पीएनजी है, इन दोनों को हमको यहाँ पे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये भी हमारा दोनों इमेज लिंक हो चुका है। यहाँ पे ये दोनों लिंक होने के बाद अभी आपको यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो ये दोनों जो इमेज था वो एक ही इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और ये इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस वाले इमेज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको एडिट मेन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी कलर का स्टॉक लगाना हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आपको जितना भी स्टॉक लगाना हो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 4px का स्टॉक जो है वो ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से हमारा चारों साइड जो है वो बॉर्डर लग चुका है। बॉर्डर लगने के बाद अभी आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, जहाँ भी आपको ये अच्छा लगे आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये रेट भी अभी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये रेट ऐड करने के बाद अभी अगर आप चाहते हो यहाँ पर फ़ोटो लगाना अपना, तो आप यहाँ पर फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो भी ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, और मेरे पास एक फ़ोटो है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये भी हमारा जो फ़ोटो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस वाले फ़ोटो को हम पकड़ के इस वाले पेज पे ला के छोड़ देंगे, तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो लगा देना है, और इस वाले इमेज को यहाँ से कट कर देंगे। और अगर आप चाहते हो तो फ़ोटो को आप यहाँ पर छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इतने पर रखता हूँ, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई सा भी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इतना होने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। मारुति सेल का जो पोस्टर है वो भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आपको सभी लेयर को ये कुछ इस तरह से लिंक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे सभी बॉक्स में ये जो लिंक वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से चेक कर देना है सभी बॉक्स को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को लिंक कर दिया है। और लिंक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी इमेज था, जितना भी लेयर था, वो सभी एक ही इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अभी अगर आप इसे सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हो। तो सेव करने के लिए सिंपली आप यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको जहाँ कहीं भी सेव करना हो आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ से आपको जो भी नाम देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हो। और उसके बाद आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट में सेव करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर JPG को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन को फुल करके आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये भी हमारा सेव हो चुका है। तो मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ इसे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी हमारा सेव हो चुका है। तो आप इसी तरह से अपनी फोटोशॉप के अंदर इस तरह का बैनर बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।